हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि पेटीएम से आप किसी के भी पेटीएम पर आप पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, पेटीएम नंबर पर। तो चलिए मैं पेटीएम पे क्लिक करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको आ जाना है स्कैन पे पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप किसको भेजना है ये यहाँ पर आप टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जिसको मैं भेजूँगा। तो मैं यहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट में वो है। ठीक है, तो अपने कॉन्टैक्ट में से देख लेता हूँ मुझे किसको भेजना है, उसका नाम सर्च कर लेता हूँ जिसको मुझे भेजना है। ठीक है, उसके बाद जो उस पर क्लिक कर लेना है और पे नाउ पर क्लिक करना है। ठीक है, उसका नंबर आ गया है और मैं पे नाउ पर क्लिक कर दूँगा। पे नाउ पे करने के बाद आप यहाँ पर कितने रुपये भेजना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर भेजना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं कितने भेजूँगा। मैं यहाँ पर 630 भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 630 पर यानी 630 मैं टाइप कर दूँगा, 630। ठीक है, उसके बाद जो है पे करना है, यहाँ पर पे वाले इस पर आपको क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद जो यहाँ पर आपको यहाँ पर UPI नंबर डालना है, तो मैं डाल देता हूँ UPI नंबर डालने के बाद आपको टिक करना है। टिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और पे हो जाएगा। ये देखिए पे हो चुका है। ठीक है, और मेरे बैंक में भी मैसेज आ चुका है कि मेरे बैंक से पैसे कट चुके हैं 630 रुपये। ठीक है, अब मैं इसको जो है देखूँगा, ये कट चुका है। और अगर आपको देखना है कि हिस्ट्री कि मेरा पैसा कटा है नहीं कटा है, तो आप हिस्ट्री में जा सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पर बैलेंस एंड हिस्ट्री का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपको दिख जाएगा हिस्ट्री। जस्ट आपको नीचे की तरफ आना है और ये 630 रुपये मैंने भेज दिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पेटीएम पर आप पेटीएम कर सकते हैं, अपने पेटीएम से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेटीएम से। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। ठीक है।